लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखो, दो मेथड पहले मैं आपको बताऊंगा। एक टर्न वेरिएबल मेथड, मतलब यूज ऑफ टर्न वेरिएबल, या इसी का नाम है स्ट्रिक्ट अल्टरेशन मेथड, है ना। और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा फ्लैग वेरिएबल। अब इसमें क्या है, ये दोनों ही मेथड हमारे अभी केवल दो प्रोसेस के लिए है। पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे फॉर टू प्रोसेस, इसके बाद फिर एन नंबर ऑफ प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक। और ये जो है इम्प्लीमेंटेड एट यूजर मोड, मतलब यूजर मोड पे ही रन करेगा, हम ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल की हेल्प इसमें नहीं लेंगे। अब देखिए, पहले टर्न वेरिएबल मेथड क्या होता है, ध्यान रहे ये दोनों ही दो प्रोसेस के सॉल्यूशन है। तो ये देखिए, मैंने एल्गोरिथम लिख रखी है, इसमें प्रोसेस P0 और प्रोसेस P1, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो PI या PJ लिखा हुआ मिलेगा, है ना, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं उसे। अब इससे पहले एक आप छोटा सा कॉन्सेप्ट लूप का और समझ लीजिए, अगर आप कंफ्यूज हो तो, वैसे पहले भी मैं बता चुका हूं। अगर कोई एक लूप लिखी हुई है वाइल, और यहां पर मैं दे देता हूं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और इस तरीके से लिख देता हूं और नीचे लिख देता हूं प्रिंट हेलो, मैं एल्गो के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक। अब क्या होगा, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पर देता हूं फोर, ध्यान से समझिएगा, तो जब ये कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स होने पे ये क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। और अगर ये लूप आपकी ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन पे नहीं आएगी, ये इसी लाइन पे इनफाइनाइट लूप में एग्जीक्यूट होती रहेगी। बात समझ में आ गई। अगर ये लूप ट्रू है और यहां पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो ये इसी लूप में इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होती रहेगी, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगी। कब आएगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज इनमें होता है। अब आ जाते हैं अपने एल्गो पे। टर्न वेरिएबल मेथड या स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन का मतलब अल्टर, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से बोलते हैं अल्टरेशन। और टर्न वेरिएबल आप ऐसे समझ लीजिए कि किसका टर्न है, मतलब ये टर्न वाइज चलती है, ठीक है ना। आप देखिए प्रोसेस P0 और प्रोसेस P1, यहां पर क्या है, सपोज करो पहले टर्न की वैल्यू मैंने कर दी जीरो, ठीक। आप देखिए टर्न इक्वल टू जीरो का मतलब P0 का टर्न है, टर्न इक्वल टू वन का मतलब P1 के लिए टर्न है। इसमें देखिए कोड उसी टाइप में लिखा हुआ है, हमने जब आपको बताया था क्रिटिकल सेक्शन तो उसका कोड क्या था, लूप के अंदर एंट्री सेक्शन, तो ये मैंने बोल्ड कर रखा है, ये हो गया हमारा एंट्री सेक्शन के लिए कोड, एंट्री सेक्शन। फिर क्रिटिकल सेक्शन, ये मैंने लिख दिया एग्जिट सेक्शन के लिए कोड, ये कोड हो गया एग्जिट सेक्शन का। देन फिर रिमाइंडर सेक्शन, वो इंडिपेंडेंट पार्ट है, उसे कोई दिक्कत नहीं। सेम यहां पर ये जो बोल्ड में लिखी हुई लाइन, ये एंट्री सेक्शन का कोड हो गई ये वाला, और ये वाला एग्जिट सेक्शन का कोड हो गया। तो उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन, वही लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अब देखिए व्हाइल वन, ये लूप तो ट्रू है, व्हाइल टर्न डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो टर्न की वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है जीरो, तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना। फॉल्स होने पे क्या होगा, ये तुरंत क्रिटिकल सेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, अपना काम पूरा फिनिश करेगा, मतलब टर्न इक्वल टू जीरो होने पे पी जीरो प्रोसेस एंट्री सेक्शन में एंटर करेगी। इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम कंप्लीट करेगी, जो शेयर्ड वेरिएबल होंगे उसको, जो उसका कोड लिखा हुआ उसको वो रन करेगा। इसके बाद ये कह रहा है टर्न इक्वल टू वन, अपना काम फिनिश होने के बाद ये टर्न की वैल्यू क्या कर दे रहा है वन, देन फिर रिमाइंडर सेक्शन में, ठीक। अब देखिए मैं P1 के लिए देखता हूं,
अब मुझे ये देखना है, जब टर्न की वैल्यू 1 है तो व्हाइल टर्न डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 1 डज नॉट इक्वल टू 1 क्या होता है, 1 तो इक्वल होता है तो फॉल्स, अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करेगी, देन फिर टर्न इक्वल टू 0 कर देगी तो जिसको टर्न मिल जाएगा, और फिर अपना रिमाइंडर सेक्शन का बचा हुआ काम कंप्लीट करेगी। इस तरीके से ये कोड रन होता रहेगा। ठीक, अब देखो, अब मैं इसमें क्या करता हूं, ये मैंने एक कोड लिखा है एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन। मैं इसमें चेक करता हूं वही सारी कंडीशंस जो हमने दी थी वहां पर क्रिटिकल सेक्शन अचीव करने के, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको 1 by 1 चेक करता है। हमने क्या कंडीशन दी थी वहां पर, एक तो दिया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा दिया था प्रोग्रेस, तीसरा हमने दिया था बाउंडेड वेट, और चौथा हमने दिया था हार्डवेयर डिपेंडेंसी ऑन हार्डवेयर, ये हार्डवेयर न्यूट्रल है ना। अब इनको 1 by 1 हम चेक करते हैं। पहले देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता था कि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, सपोज करा मैंने टर्न इक्वल टू 0 है, P0 का टर्न है, टर्न डज नॉट इक्वल टू 0, P0 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ये कंडीशन फॉल्स है, यहां आ गया। क्या P1 एंटर कर पाएगा, देखते हैं भाई। अब P1 की कंडीशन क्या है, व्हाइल टर्न डज नॉट इक्वल टू 1, तो टर्न की वैल्यू क्या है 0, 0 डज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स इसी लूप में चलता रहेगा, मतलब P1 कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, P0 तो जाएगा लेकिन P1 नहीं जाएगा। अब हम दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो क्या P0 चला जाएगा, देखते हैं भाई। जब ये एग्जीक्यूट कर लेगा तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो टर्न इक्वल टू 1। अब टर्न 1 होने पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, भाई 1 डज नॉट इक्वल टू 1 क्या होता है, फॉल्स है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, तो क्रिटिकल सेक्शन में कौन चला गया, P1। अब देखो क्या P0 आ पाएगी, तो P0 अगर जाना चाहता है तो देखेगा टर्न डज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स इसी लूप में कंटिन्यूअस चलता रहेगा, मतलब P0 भी उस प्रोसेस में एंटर नहीं कर पाएगी। तो मतलब ये सोल्यूशन जो था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमको मिल रहा है, जब P0 प्रोसेस थी क्रिटिकल सेक्शन में तो P1 नहीं आ रही थी, और जब P1 थी तो फिर P0 नहीं आ रही थी। ठीक, पहली रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल कर रहा है। अब देखिए प्रोग्रेस में मैंने क्या बताया था कि जब P0 प्रोसेस हमारी क्रिटिकल सेक्शन में है तो P0 प्रोसेस हमारी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो P1 उसको रोकेगा नहीं, और जब P1 जाना चाहती है तो फिर P0 इसको रोकेगा नहीं, यही बात होती है प्रोग्रेस में। ठीक है, जरा देखते हैं क्या ये हमको मिल रहा है, देखते हैं भाई। सपोज करो पहले P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, इसने क्या किया, टर्न की वैल्यू बाय डिफॉल्ट, इसमें मैंने डिफॉल्ट नहीं दिया हुआ है, टर्न की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, हम 1 by 1 दोनों केस चेक कर लेंगे। सपोज करो टर्न की वैल्यू है 0, ठीक, टर्न इक्वल टू 0। अब कंडीशन चेक किया इसने, टर्न डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 है, इसका मतलब 0 डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, फॉल्स हो जाएगी, ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। अब P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गई, अब देखना P0 ने क्या किया, जैसे ही ये टर्न डज नॉट इक्वल टू 0 किया, ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई इस लाइन पे, इस कोड को रन कराया और प्रीएम्प्ट हो गई, कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, इस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, ये चली गई प्रीएम्प्ट होके कुछ और काम करने, अब आ गई भाई P1 कि P1 एग्जीक्यूट होगी, भाई सीपीयू क्या करेगा, इस ये प्रोसेस अगर प्रीएम्प्ट हो गई तो वो किसी दूसरी प्रोसेस को ढूंढेगा। अब सपोज करो
ये इसने ये लाइन एग्जीक्यूट किया और ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गई। अब टर्न की वैल्यू तो जीरो थी, अब पी वन देखेगा भाई, वाइल वन टर्न डज नॉट इक्वल टू वन, तो देखो जरा जीरो डज नॉट इक्वल टू वन, ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू भाई, जीरो डज नॉट इक्वल टू वन, ठीक बात है ट्रू है, तो ये तो अपने इनफाइनाइट लूप में जाती रहेगी, मतलब ये जो इसका एंट्री सेक्शन का कोड लिखा हुआ था, ये एंट्री सेक्शन का कोड इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकेगा। अब क्या होगा भाई, पी जीरो खुद तो क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं रही है और पी वन को भी नहीं जाने दे रही है, आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, सपोज को टर्न की वैल्यू जीरो थी, जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसको क्रिटिकल सेक्शन में आना था, बट ये क्या हुआ इस लाइन के बाद ही ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई, तो अब सीपीयू दूसरी प्रोसेस ढूंढेगा पी वन की, चलो भाई तुम क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओ, इसने देखा कि जीरो डज नॉट इक्वल टू वन, हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ट्रू होने पे क्या होगा, ये इसी लूप में फंसा रहेगा, इसी लूप में कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहेगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में आएगी ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि P0 खुद तो क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं रही है और P1 को भी नहीं जाने दे रही है ना। अब देखिए दूसरा कंडीशन, कब तक ये फंसी रहेगी, जब तक P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी नहीं, अब ये कितनी देर तक वेट करती कर रही है ये किसी को भी नहीं पता। अब दूसरा फंडा देख लो, टर्न इक्वल टू वन है ठीक, अब देखिए चलो पहले P0 को चेक कर लेते हैं, वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कंडीशन ट्रू है, तो ये तो इनफाइनाइट लूप में चलेगी ही चलेगी, तो ये तो जाएगी नहीं अभी, छोड़ दीजिए। अब पी वन आई, टर्न डज नॉट इक्वल टू वन, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया ठीक, बट इस लाइन पे आने से पहले ही ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई। अब क्या हुआ, पी वन तो आना चाहती थी लेकिन वो क्या हो गई प्रीएम्प्ट हो गई। अब P0 की बारी आई, P0 ने देखा टर्न डज नॉट इक्वल टू जीरो, टर्न की वैल्यू क्या है वन, तो वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये यहां पर इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो अब क्या हुआ, P1 भी नहीं आ पा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में और P0 भी नहीं आ पा रहा है ना, तो यहां पर हम कहेंगे कि प्रोग्रेस हमको नहीं मिल रही, ये सेकेंड प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही। आपने देखा कैसे, अगर भाई प्रोसेस तो बीच में कहीं भी प्रीएम्प्ट हो सकती है, अगर P0 इस लाइन को एग्जीक्यूट करा के यहां से प्रीएम्प्ट हो जाती है, उस कंडीशन में दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी, या P1 इस लाइन पे प्रीएम्प्ट हो जाती है तो P0 भी उस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी, तो प्रोग्रेस वाला फंडा यहां पर हमको नहीं मिल पा रहा। अब देखते हैं बाउंडेड वेट, बाउंडेड वेट में मैंने क्या बताया था कि ऐसा ना हो कि कोई एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करते जा रही है और दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रही, तो आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग टर्न की वैल्यू चेंज कर रहे हैं है ना, तो ये वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही है, पहले आपने दो इतने सारे एग्जाम्पल लिए मैंने, पहले पी जीरो फिर पी वन फिर पी वन फिर पी जीरो, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, देखिए टर्न की वैल्यू जीरो थी तो टर्न डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो क्या हुआ फॉल्स हो गई, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, टर्न इक्वल टू वन कर दिया, इधर आया। अब टर्न वन होने पे क्या होगा, जब ये दोबारा आएगी तो दोबारा पी जीरो नहीं जाएगी, फिर एक बार पी जीरो जाएगी फिर दूसरी बार में पी वन जाएगी, अब टर्न इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो पी जीरो का टर्न आ जाएगा है ना, फिर टर्न वन हो जाएगा तो पी वन का टर्न आ जाएगा, तो बाउंडेड वेट हमको मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो बार बार, पहले P0 फिर P1 फिर P0 फिर P1, ये बात चल रही है। हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं है, जाहिर सी बात है, तो हम कह सकते हैं कि टर्न वेरिएबल मेथड जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंडेड वेट तो दे रहा है बट प्रोग्रेस नहीं दे रहा है। तो हमने क्या कहा था कि जब हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बनाते हैं तो स्टार्टिंग वाली दो कंडीशन जो है वो प्राइमरी होनी, ये तो होना ही होना चाहिए, अगर ये दोनों ना हो तो हमारा काम चल जाएगा, तो ये हमारा टर्न वेरिएबल मेथड जो है यहाँ पे फेल हो जाता है इसमें प्रोग्रेस के लिए ठीक। अब देखते हैं दूसरा मेथड, तो ये था आपका टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट अल्टरेशन मेथड। अब देखते हैं दूसरा मेथड, फ्लैग वेरिएबल मेथड।
इसमें देखिए क्या है, सेम चीज यहां पर भी है, पूरा कोड है। ये हमारी दो लाइन जो लिखी हुई है, ये हो गया एंट्री सेक्शन का कोड, ठीक, एंट्री सेक्शन। और ये जो लाइन लिखी हुई है ये हो गया एग्जिट सेक्शन का कोड। सेम इधर, ये दोनों एंट्री सेक्शन, ठीक, और ये एग्जिट सेक्शन के लिए क्रिटिकल सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन। अब देखिए यहां पर क्या चलता है भाई, यहां पर भी हम यही चारों प्रॉपर्टी चेक करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेट और आर्किटेक्चर, हार्डवेयर आर्किटेक्चर को, है ना। चलिए पहले एल्गो समझते हैं क्या है। ये बेसिकली एक फ्लैग वेरिएबल से, देखो पुरानी वाली प्रोसेस में दिक्कत क्या थी कि प्रोग्रेस को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, प्रोग्रेस वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। और ये एरर आ क्यों रही थी, क्योंकि हमने प्रोसेस से पूछा ही नहीं कि भाई P0 एंटर करना चाहते या P1 एंटर करना चाहते। हमने ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि पहले P0 जाएगी या P1 जाएगी। आप देखिए ना, पूरी एल्गो में कहीं पर भी हमने ये यहाँ पे नहीं देखा है कि कौन सी प्रोसेस जाएगी, है ना। टर्न पे सीधा हमने डिपेंड कर दिया कि टर्न दिस दिस, तुम्हारा टर्न, तुम्हारा टर्न, तुम्हारा टर्न और तुम्हारा टर्न। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने एक एरे बनाया फ्लैग। अब एरे देखो कैसे बना, मैं यहां पर बताता हूं, ये एक एरे है फ्लैग, ठीक। टू प्रोसेस ये भी है, तो मैंने दो प्रोसेस डाल दी यहां पर, एक जीरो के फ्लैग ऑफ जीरो और फ्लैग ऑफ वन। व्हाइल वन, अगर P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो ये क्या करेगी, पहले ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसकी एरे की, सपोज करो फॉल्स और फॉल्स है, ठीक, डिफॉल्ट दोनों फॉल्स। अब अगर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो इस वैल्यू को ये ट्रू करेगी, ठीक। कंडीशन क्या लगी हुई है अंदर, व्हाइल फ्लैग वन, फ्लैग वन मतलब ये वाली पोजीशन। अब ये देखेगा ये वाली पोजीशन अगर ट्रू होगी तो ये कॉन्टिन्यूअस इसी लूप में फंस जाएगा। अब ये अगर फॉल्स होगी तो फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दूसरी प्रोसेस का फ्लैग जो है वो फॉल्स होना चाहिए, ठीक। अब ये अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लेगा तो अपनी जीरो वाली फील्ड, P0 प्रोसेस अपनी वाली फील्ड जो ट्रू की थी इसको अगेन फॉल्स कर देगा, यहां पर फॉल्स हो जाएगा, देन फिर अपना बचा हुआ कोड एग्जीक्यूट करेगी। अब देखिए अगर P1 जाना चाहती तो क्या करेगी, ये जो है अपना, मैं दोबारा बना देता हूं, ये फॉल्स है, अगर ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो अपना फ्लैग 1 इसको ट्रू कर देगी। और व्हाइल फ्लैग 0, अब 0 वाला क्या होना चाहिए, फॉल्स, अगर फॉल्स होगा तो ये आगे आएगा, अगर ये ट्रू होगा तो फिर यहां कॉन्टिन्यूअस ट्रैप में फंस जाएगी, कॉन्टिन्यूअस लूप में एग्जीक्यूट होती रहेगी, है ना। फिर क्रिटिकल सेक्शन की वर्क को ये कंप्लीट करके अब जब काम खत्म हो जाएगा इसका तो अपना फ्लैग वापस ट्रू से फॉल्स कर देगा। इस तरीके से ये एल्गो चलती है। अब हम देखो 1 by 1 इस केस को चेक करते हैं कि भाई हमें ये चारों प्रॉपर्टीज इसमें मिल रही है या नहीं मिल रही। देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कह रहा था कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हम पहले ये सी फिगर देखते हैं, फ्लैग 0 इक्वल टू टी, मतलब P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, इसने अपनी वैल्यू को ट्रू कर दिया। व्हाइल फ्लैग 1, तो फ्लैग 1 पे क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी वाली प्रोसेस नहीं आनी चाहिए। अब ये तो फॉल्स है, फ्लैग 1 फॉल्स, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गई, अब ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। अब हम देखते हैं क्या P1 आ सकती है यहां पर, देखते हैं भाई। फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, इसने क्या किया, फ्लैग 1 वाले ने अपने वाले को ट्रू कर दिया, P0 है भी क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना, अपनी वैल्यू को ट्रू कर दिया इसने 0 फील्ड को, फ्लैग 1 फॉल्स था, क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि P1 जा सकती है क्या, तो फ्लैग ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू, इसने अपने वाले को ट्रू किया। व्हाइल फ्लैग 0,
इसने देखा कि फ्लैग जीरो क्या है, ये तो ट्रू है भाई, ये ट्रू है ना, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होने पे इसी लूप में फंस जाएगी, ये आगे जाएगी ही नहीं। अब ये अपना क्रिटिकल सेक्शन वाला काम कंप्लीट कर लेगी, फिर ये क्या करेगा, अपना फ्लैग ऑफ जीरो फॉल्स कर देगी। तो जैसे ही ये फॉल्स होगी तब इसके पता चलेगा कि अब ये फ्लैग जीरो जो ट्रू था अब ये फॉल्स हो गया, जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा तब ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी। मतलब जब तक पी जीरो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर नहीं आ जाएगी, अपना फ्लैग फॉल्स नहीं करेगी, तब तक पी वन नहीं जा सकती। ठीक बात है। अब जरा देखिए, अगर पी वन एग्जीक्यूट कर रही हो तो क्या पी जीरो आ सकती है क्या, देखते हैं भाई। ये फिर सिनेरियो, पी वन ने अपनी वैल्यू ट्रू की, ठीक है, देखा वाइल फ्लैग जीरो ये फील्ड क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स होते ही क्या हुआ, ये अगली लाइन में आ गई, क्रिटिकल सेक्शन में हमारी पी वन प्रोसेस चली गई। अब क्या पी जीरो आ सकती है, पी जीरो ने अपनी फील्ड को ट्रू किया, किया चेक किया वाइल फ्लैग वन, तो फ्लैग वन तो ट्रू है भाई, ट्रू होने पे क्या होगा, ये यही कॉन्टिन्यूस लूप में फंसती रहेगी, क्रिटिकल सेक्शन में आएगी ही नहीं, है ना। तो पी वन के क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होते हुए पी वन नहीं आ सकती, कब तक, जब ये फ्लैग वन फॉल्स हो जाएगा, जब ये अपना फ्लैग वन फॉल्स कर देगा, इसके फॉल्स होते ही इसकी ये वाली कंडीशन वाइल फ्लैग वन ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी, फिर पी जीरो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो पी वन के रहते पी जीरो नहीं आ सकती, जैसे ही पी वन क्रिटिकल सेक्शन अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगी तब पी जीरो आ सकती है। क्लियर हो गई कहानी। इसके रहते ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, इसके रहते ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, क्यों, दूसरे का फ्लैग जो है ये फॉल्स होना चाहिए। इसका मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करती है। अब प्रोग्रेस के लिए चेक करते हैं। प्रोग्रेस का मतलब अगर पी जीरो क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है तो पी वन नहीं रोकेगी, और अगर पी वन जा रही है तो फिर पी जीरो नहीं जाएगी। देख लेते हैं भाई, फ्लैग ये एरे है हमारा, दो प्रोसेस पी जीरो और पी वन। अब इसने क्या, ये जाना चाहती है तो फ्लैग जीरो इक्वल टू ट्रू, ठीक है, वाइल फ्लैग वन, तो फ्लैग वन तो फॉल्स ही है डिफॉल्ट, भाई दो ऐसे लिखता हूं मैं, दोनों वैल्यू फॉल्स थी, पी जीरो जाना चाहती तो पी जीरो ने कर दिया अपना वेरिएबल, अपना एरे ट्रू, वाइल फ्लैग वन फॉल्स है, ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब पी वन को देखते हैं, अब सपोज करो पी वन जाना चाहती, देखो पी जीरो जाना चाहती तो पी वन इसको रोक नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रोक रहा है। अब पी वन जाना चाहती है, पी वन ने क्या किया, अपना ये डिफॉल्ट वैल्यू दोनों फॉल्स अगेन चेक ले लीजिएगा, और पी वन ने अपनी वैल्यू ट्रू कर दी, ठीक, तो इसको पी वन भी नहीं रोकेगा, क्यों, इसका अपना फ्लैग है, पी वन क्यों रोकेगा भाई, आपने ट्रू किया, फ्लैग जीरो फॉल्स है, एग्जीक्यूट करते रहिए, ठीक। अब देखो यहां पर एक चीज और निकल के आती है, अभी ये देखने में लग रहा है कि प्रोग्रेस मिल रहा है, बट देखना क्या होगा, मैं एक चीज करता हूं, दोनों वैल्यू इनिशियली फॉल्स है, ठीक, ये फ्लैग जीरो जो था इसने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इसको ट्रू किया, और ये यहां से प्रियम्प्ट हो गया, ठीक, प्रियम्प्शन आ गया। अब फ्लैग सॉरी प्रोसेस वन को जाना था तो क्या किया इसने, अपना फ्लैग ट्रू किया, ठीक। अब देखा इसने वाइल फ्लैग जीरो, तो फ्लैग जीरो क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है तो यही फंसा रहेगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। अब सेम कंडीशन वही आ गई कि भाई ना तो P0 जा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में और ना P1 को जाने दे रहा है। अब सपोज करो इसने क्या किया, फ्लैग वन ट्रू करने के बाद ये प्रोसेस भी प्रियम्प्ट हो गई, ठीक। अब जब P0 अपना काम फिनिश करके आया, P0 जब अपना काम फिनिश करके आया प्रियम्प्शन के बाद, तो इसने देखा कि भाई फ्लैग वन ये भी ट्रू है तो अब ये भी नहीं जा पा रहा है। तो अगर इस लाइन के बाद प्रोसेस P0 या प्रोसेस P1 प्रियम्प्ट हो जाती है तो ना ही P0 क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा और ना ही P1 जा पाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही फ्लैग वैल्यू क्या है, ट्रू है। ये चेक करेगा तो इसको वन वाला फॉल ट्रू मिलेगा, ये अगर चेक करेगा तो इसको जीरो वाला ट्रू मिलेगा, दोनों ही कॉन्टिन्यूस लूप में एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो हमने देखा यहां पर भी प्रोग्रेस हमको नहीं मिला, ठीक बात। अच्छा एक चीज और, मैं वापस जरा पुराने मेथड पे चलता हूं,
इस मेथड में एक ड्रॉबैक था जब मैं ये मेथड बता रहा था कि पहले P0 जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में टर्न जीरो, टर्न की वैल्यू जीरो, टिक मैं यहां लिख रहा हूं, तो जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हुई, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, टर्न की वैल्यू वन हो गई, ठीक। अब सपोज करो P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता और P0 को रिक्वायरमेंट है, तो क्या अब ये चला जाएगा? तो वन डज नॉट, टर्न की वैल्यू तो वन है, वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो ये ट्रैप में चला जाएगा, ये जाएगा ही नहीं। मतलब इस एल्गो में क्या है कि P0 के बाद P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही चाहिए, फिर P1 के बाद P0 जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि P0 जाना चाहे चार बार, P0 फिर P0 P0, बट P1 नहीं जाना चाहती भाई, P0 को तो रिक्वायरमेंट है लेकिन P1 को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वाली बात यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? आप इमीडिएट टर्न किसको दे रहे हैं? दूसरी प्रोसेस को, भाई टर्न इक्वल टू जीरो था, तो पहले केस में तो जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो क्या हुआ, फॉल्स हो गया, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। अब क्या होगा, टर्न इक्वल टू वन, तो P1 को जाना पड़ेगा, बट जरूरी थोड़ी कि P1 जाए क्रिटिकल सेक्शन में, तो अब P0 बट अगेन जाना चाहती है, तो ये क्या करेगी, वेट ही करती रहेगी जब तक P1 ना जाए, है ना। तो यहां पर ये जो समस्या थी कि P0 P1 अल्टरनेट वाली प्रॉब्लम, वो वहां पर रिजॉल्व हो गई। वहां पर क्या था कि जरूरी नहीं कि दोनों प्रोसेस दूसरी प्रोसेस जाए, यहां मैंने एरे की हेल्प से ये बॉन्ड फिक्स कर दिया, ये बॉन्ड हटा दिया कि P0 के बाद P1 जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो दोनों वैल्यू फॉल्स थी, P1 जाना चाहती है, इसने ट्रू कर दिया, दूसरे की वैल्यू फॉल्स है, चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में, दोबारा जाना चाहते हो दोबारा चेक कर लो भाई, अपनी वैल्यू ट्रू रखिएगा भाई, आप फॉल्स कर देंगे फिर अपनी वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा, फिर करते जाइएगा, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, जब दूसरा जाना चाहेगा तो ये अपना वैल्यू ट्रू करेगा। बट यहां प्रॉब्लम क्या आई कि इस लाइन के बाद अगर प्रोसेस प्रियम्प्ट हो जाती है फर्स्ट लाइन के बाद, तो इसका भी फ्लैग ट्रू और इसका भी फ्लैग ट्रू, दोनों का ट्रू हो गया, तो ये तब तक क्रिटिकल सेक्शन नहीं जाएगी जब तक ये वापस नहीं आती, और ये तब तक नहीं जाएगी जब तक इसका ये यहां तक एग्जीक्यूशन में नहीं आती। हुआ क्या, इस लाइन में एग्जीक्यूट करने के बाद ये प्रोसेस हो गई प्रियम्प्ट, आगे नहीं गई, अब P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, तो इसने देखा कि भाई ये तो ट्रू है तो इसलिए हम नहीं जाएंगे, बट एक्चुअलिटी में क्या हुआ, ना ही ये गई और ना ही इसको जाने दे रही है, तो प्रोसेस वाली जो प्रोसेस हमको प्रॉपर्टी चाहिए थी सेकंड, वो फुलफिल नहीं हुई। अब देखते हैं बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट का मतलब कि ऐसा ना हो कि एक ही प्रोसेस कई बार जा रही दूसरी नहीं जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है, अभी मैंने चेक कर लिया भाई जब जिसको जाना है जाए, अगर एक नहीं जा रही तो दूसरी जा सकती है ना, और ऐसा भी नहीं है कि केवल यही जाती रहे, ये भी जा सकती है, तो बाउंडेड वेट भी मिल रहा है, हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि हमें प्रोसेस वाली चीज नहीं मिली, जबकि ये दोनों प्रॉपर्टी प्राइमरी थी, ठीक। तो टर्न वेरिएबल में प्रोसेस में क्या था, जो टर्न वेरिएबल में हम प्रोसेस प्रॉपर्टी देख रहे थे, यहां पर हमको क्या दिक्कत मिली कि एक प्रोसेस जब जा रही है, अगर इस लाइन के बाद हमारा कोड प्रिम्प्ट हो जाता है, तो P0 अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी थी, जाना चाहती थी, बट प्रिम्प्ट हो गई, तो P1 नहीं जा पा रही, दोनों ही नहीं जा पा रहे। और सेम चीज यहां पर जब हम फ्लैग वेरिएबल में देख रहे थे, इसमें हमको क्या मिला कि अगर इस लाइन के बाद प्रिम्प्ट हो गई, तो फिर ये दोनों चीज नहीं जा पाएंगे, ठीक। तो टर्न और फ्लैग दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए कि दोनों में हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ये दोनों ही सोल्यूशन दो वेरिएबल पे हमने लगा के देखे, आप ऐसे समझो दो प्रोसेस थी P0 और P1। तो पहले मैंने देखा कि टर्न वाइज देख लूं, पहले इसको पहले इसको पहले इसको पहले इसको, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम नजर आई। फिर हमने देखा कि चलो फ्लैग वेरिएबल लगा लेते हैं, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम नजर आई। अब क्या हुआ, ये हमने फिर बताया क्यों आपको दोनों एल्गो। अब जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, टर्न और फ्लैग दोनों मेथड एक साथ ले आएंगे, तो हमारी बात कुछ बनती हुई नजर आती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्न और फ्लैग वेरिएबल मेथड दोनों एक साथ, है ना। ओके, थैंक यू।